अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुम्मतुल विदा है, किस तरह से रमज़ान विदा हो रहा है। हमसे जुदा होकर चले ऐ माह रमज़ान अलविदा। मेरी वालदा आखिरी अशरे में बड़ा रोया करती थी, मरहूम अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, हर मुसलमान को जन्नत दे अल्लाह। मेरा ईमान है अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में कई मुसलमानों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर देगा और जहन्नुम से खलासी दे देगा। और आज ये आखिरी अशरे में अल्लाह ताला सारों को जिन जिन को जो इबादतें गाड़ी की यानी कसरत से की या अल्लाह को पाने के लिए इंसान ने बड़ी जुस्तजू की, मेहनत की, उसको बराबर अल्लाह ताला जन्नत के परवाने दे देगा और उसका ऐलान हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और फरिश्तों को भी गवाह रख लेगा अल्लाह ताला। मेरी दुआ है सबको जन्नत मिले, हम मुसलमानों को। ईदुल मोमिनीन यानी जुम्मतुल विदा, यूँ तो जुमा ईदुल मोमिनीन है। अब रमज़ान ख़त्म है, माह रमज़ान की ईद आ रही है, ईदुल फितर। एक दूसरे के लिए हमारे मुसलमान भाई यूँ तो तोहफे बाँटें, फितरा सदका ज़कात जो कुछ भी देना है इस माह में दे लें। और हर वो मुसलमान गैरों को बुलाकर अपने ईद की हकीकत बताएं। जैसे मैं यहाँ अक्सर क्रिश्चियनों से बात करता हूँ तो एक ग्रुप ऐसा भी है जो स्टार रखते हैं, वो लोग काले लिबास, अजीबोगरीब लिबास पहनते हैं, पुराने ज़माने के पैगंबरों की तरह समझकर बताते हैं वो लोग। लिबास पूरे जो है बहुत पुराने दख़नी तरीक़े के होते हैं लिबास। जब भी उनसे बात करना चाहता हूँ वो मेरा चेहरा देख के कहते हैं हम तुमसे बात नहीं करना, ये किताब सिर्फ हमारे लिए पर्टिकुलरली मिली है, बाइबल के लिए कहते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम का पोस्टर भी फाड़ते हैं, मैं कई बार देखा, लेकिन वो उनसे बात करने का मौका ही नहीं देते वो लोग। कल भी मैंने कहा कि मैं तेरे को कुरान सच्ची अप्रूव करके दूंगा, उसने कहा मैं किसी से बात करूँ, तुम मुझसे बात मत। खैर, ये बदकिस्मती अल्लाह की तरफ से उनको। मैं दूसरों से जब बात करता हूँ तो उनको एक आसान तरीके से बताता हूँ, मुसलमान आसान तरीके से बताए, क्योंकि अल्लाह ने हिकमत से बताओ कहा कि विजडम तुम्हारे पास जो है, तुम्हारी दानिशमंदी से वो सवाल को वो लोग गौर करें, उस तरह से बताओ। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ देखो, आदम बिना माँ बाप के पैदा किया अल्लाह ताला ने, उसको अल्लाह ने रूह फूंकी उनके जिस्म में, उनको पानी मट्टी गाड़े की भी ज़रूरत नहीं है, वो कुनफा कन, अगर वो कहते हैं हो जा तो हो जाती है, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बना के हमको बताया। जब आदम को अल्लाह ने बना लिया तो फिर इसी तरह मट्टी गाड़ा और पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, हवा अलैहिस्सलाम को खाली जिसमें मुबारक में से ऐसे निकाल के हवा अलैहिस्सलाम बिना माँ के पैदा हो गई। कुनफा यकुन है ये, टू बी बस, अल्लाह ताला अगर कहते हैं हो जा तो हो जाती है चीज़, सामने कोई शय नहीं होती। अगर से पहले से विक्स नहीं है ये रखा हुआ तो अल्लाह ताला अगर कह दे कि कुन फयकुन, सामने विक्स को लाना है अल्लाह को, तो ला लेते हैं। तो मतलब मैं बता रहा हूँ आसान तरीके से कि अल्लाह ताला के सामने जो चीज़ नहीं है वो बना लेते हैं। इस वास्ते अल्लाह कहते हैं कि जब तुम नहीं थे तो क्या हमने नहीं बनाया, हम दोबारा बना लेंगे। तो ये आसान तरीक़ा है, बगैर माँ बाप के अल्लाह ने ईसा आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगैर माँ के हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो इनके पास एक ऐसा अजीब व गरीब समझाने का जवाब रहता है, कहते हैं कि जी अब एक मर्द है, एक औरत की ज़रूरत पड़ती है बच्चा पैदा करने के लिए, इसी तरह गार्ड को भी जो है बच्चे की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर मेरे को बेटा है तो मेरा नाना, मेरा दादा का है, नाना है ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो ये एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि विदाउट फादर मदर, विदाउट मदर, विदाउट फादर, ये थ्री सिस्टम्स के तरीके से कुन फयकुन है, टू बी है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो आसान है उसके लिए इस्लाम। अगर वो नहीं समझता है, वो समझेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम पहले, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम से भी सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बोल के वो सोचते हैं। अगर तुम मिलोगे तो ये बातें उनके सामने तुम्हारे सामने आएगी और तुम उनको जवाब भी दे सकोगे। तो उनसे मैंने हज़ार दफ़ा यही कहा, परसों भी मैंने एक लड़की, मेरे ख्याल अल्बेनियन थी और उसके साथ एक स्पेनिश काला लड़का था,
तो ये दो लड़कियां मिशनरी का काम करते हैं उनके क्रिश्चियनिटी का, तो मैंने उनको बताया देखो अगर ईसा अलैहि सलाम सबसे पहले तुम समझते हो तो फिर उनको 9 महीने मरियम अलैहि सलाम के पेट में रहने की क्या जरूरत है। वाई ही वाज इन द बेली, क्यों थे वो माँ के पेट में, सोचने वाली बात। अगर सो पहले से पैदा है तो डायरेक्ट नमूदार हो सकते थे। तो ये जो लाजिक ने जैसी बातें उनके दिमागों में बैठी हुई है। और एक बात मैं उनको समझाता हूँ कि देखो मर्द से औरत का मिलना जो तुम समझते हो, औरत से औरत यहाँ इश्क करती है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मर्द से मर्द इश्क करता है वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, यानी वो लोग सेक्स लेते हैं मेल मेल फीमेल फीमेल, तो पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें जब इनके पास हो तो इनको समझाने के लिए आसान तरीका यही है कि गे पैदा नहीं करता बच्चा, लेस्बियन पैदा नहीं करती बच्ची बच्चा बच्ची, और जो है ईसा अलैहि सलाम बिना बाप के पैदा हुई है अल्लाह की तरफ से, जो नज़र नहीं आने वाला खुदा है अनसीन इटरनल एलोन इटरनल, क्योंकि मैं कहता हूँ अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह तन्हा है और अल्लाह नज़र नहीं आता। ये निशानी बताने के लिए ये 3 पैदाइशें करके अल्लाह ताला हो जा कह के हो बना दिया। अब ये पानी की ज़रूरत नहीं है, गाड़े की भी नहीं है, मट्टी की भी नहीं, वो एक मिसाल देने अल्लाह ताला ने बताया। अब इन्होंने बाइबल को ऐसी मिसाल बना ली जबकि 40 वो जो लिखे आथर वो मौजूद नहीं थे ईसा अलैहि सलाम के वक्त। ये बात समझते हैं मौजूद है चंद आथर उसमें, नहीं कोई नहीं थे, सेंट पॉल भी नहीं था। 100 साल बाद उन्होंने बाइबल बनाना शुरू किया। अगर 50 साल भी रख ले तो 50 साल पहले का क्या है इंसानों को पता नहीं। मैं एक हकीकत रख रहा हूँ इंसान के सामने, क्योंकि तुमने जो वो हिस्ट्री रखी नहीं, क्योंकि कैमरे का दौर नहीं था उस ज़माने में, या जो है कोई आपको निशानी छोड़ने की एक बहुत बड़े मौजूदे की नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने फिरौन की लाश को रख कर बताया निशानी के तौर पर कुरान में। ये निशानियाँ हैं अल्लाह की जो बता रहे हैं कि देखो मैं पैगंबरों को भेजा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब इसके बीच में जो भटक गए उनको सजा दी कहा अल्लाह ने यहूदियों को, और ये गलत जा रहे हैं हर वक्त कर रहे हैं हम लोग क्रिश्चियंस, एवरी सिंगल सेकंड बोल रहे ख्याल रहे। अच्छा अब ये लोग बामल नहीं हो सकते। आप ये देख लें कहानी, मैं इंसानों को बताता हूँ कि अमेरिका गंदा हो चुका, अब ये बेबाक क्या, ये क़यामत का वक्त है। ये आदमी एक अपने दोस्त की बीवी के साथ उसका रिश्ता रहा और उसने हमल किया अपनी दोस्त की बीवी के साथ नाजायज, और वो फिर तलाक हो रही। इतने गंदे ख्यालात की ज़िंदगी ये गुजारते हैं, जबकि अगर वो बिस्तर करता है तो क्या उसका ज़मीर नहीं जागा मैं एक दोस्त को धोखा दे रहा हूँ। अब ये जो औरत के साथ इन्हें जो बिस्तर करा कल इसको भी धोखा दे सकती है बोल के ये नहीं सोचा, क्योंकि जब सगे यानी जब शरा के तौर पे ला के तौर पे एक इंसान से खाविन बना ली शौहर बना ली उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रॉमिस की, फिर उसको तोड़ के इसके साथ सो रही, फिर उसके बाद ये लोगों को फ़न की दुनिया की दीवानगी चढ़ गई ज़रूरत से ज़्यादा। तो अब ये बेबाक होके पागल से गंदे हो गई ना, देखो नंगे नंगे दंगे रोज़ होता है ये इनके पास। और फिर ये देखो औरत ये सिगरेट पी रही है, क्या ये क्रिश्चियनिटी तस्वूर कर सकती है 100 साल पहले। अब ये क़यामत के करीब है, अब जितना गंदा गंदा हो सके उतना गंदा ये बताना चाहते हैं। ये देखो ये कैसे बेबाक, ये भी ये जो यहूद नसारा का जो मीडिया है वो उन लोगों को मज़ा उछाल के पैसे कमाना होता है, सिर्फ गंदगी को फैलाना होता है, उनको गुनाहों को रोकना नहीं होता, पर्दा डालना नहीं होता इनसे। इतने बुरे इंसान ही है कि मैं आपको एक बताऊँ, ये आदमी जो है ज़रूरत से ज़्यादा गंदा है। ये मशहूर इंसान है, रोज़ाना फ्रंट पेज पे उसका पिक्चर था, रोज़ाना फ्रंट पेज पे इसकी कहानी आ रही थी। 30 औरतों के साथ इसने सोबत की, गंदी औरतों के साथ, और कहता है इट इज़ ए ह्यूमन नेचर, कहता है आई ब्लेम माई सेल्फ, कहता है मतलब ये इंसान की फितरत है, मैं अपने आप को जो है खुसरुआ ठहराऊँगा। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कहा, तुम अपने नफ्स को मारो, जितने अच्छे नेकियां कर सकते हो आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा, फिर वहाँ हूरे दूंगा, शराबे तहूरा होगी, हर वो चीज़ होगी जो यहाँ नहीं मिलती तुमको। लेकिन यहाँ तुम अगर से अपने शौक के लिए पूरा कर लेते हो, फन के तौर पर ये बुराई को अपना लेते हो, शराब हो या औरत का नशा या बगैर शादी के बच्चों का पैदा करना, ये सारा तुम्हारे ये दिल को बहुत इतना काला कर देगा कि तुम्हारे अंदर खौफ ही खौफ होगा। इस वास्ते वली अल्लाह
इन सारी चीज़ों से परहेज करके लाखौफ हो जाते थे, खौफ ही नहीं होता था वली अल्लाहों के अंदर। होता था कि आज भी मौजूद है वली अल्लाह, आज भी अल्लाह वाले मौजूद हैं इस दुनिया में, आज भी जो है हज़ारों निशानियाँ उनको मिलती है। मैं खुद बेशुमार देखा हूँ, इस वास्ते मैं अल्लाह वालियों का आशिक वली हूँ मैं। और मैं यहाँ पर आपको यकीन से बताता हूँ, एक 35 साल पहले मैं, या मतलब 25 साल पहले मैं जो है यहाँ जमात में निकला था तबलीग की, हालांकि मैं कोई जमात का या कोई मज़हब फिरके का नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुस्लिम कुरान के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कुरान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान है, मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान है, ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान है, दाऊद अलैहिस्सलाम मुसलमान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान है, और सारे पैगंबर मुसलमान है, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, मैं इस तरह से जीता हूँ। तो यहाँ एक मैं जमात में निकला था, उस वक्त में शिकागो में एक साहब आए, काफ़ी पैसे वाले, आके पूरे बाथरूमों को उन्होंने पानी से सब साफ सुथरा करके सफाई करके चले गए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से नेकी कमाना था उनको, उनका जज्बा ऐसा है। और एक ऐसे बुज़ुर्ग भी मैंने यहाँ देखा, अपनी वैने दे देते हैं जो 4 महीने के लिए निकलता है, 40 दिन के लिए फी सबीलिल्लाह। और मस्जिदों में जाओ तो खाना अल्लाह के तरफ से जो है मेहमान नवाजी करने के लिए मुसलमान खुद लेके आके खिलाता है, वहाँ पर जो जमातें होती थी, ये भी फी सबीलिल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह को पाने वाले, जज्बा रखने वाले ख़त्म कभी नहीं हो सकते, ये एक फितरी जज्बा है, कुदरती तौर पे आ जाता है इंसान के अंदर जज्बा। अब मैं इंडिया में जब मैं गया था, मैं दीन के काम के फिक्र से, तो मेरे दोस्तों के साथ मैं निकला, 80 गांव इस्लामी जमात का एक इज्तिमा हो रहा था बशीरबाग में, वहाँ बड़े अच्छे आलिम थे, इंतकाल करके अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कुरान की तफसीर बड़ी अच्छी देते थे, सैटरडे या संडे था वो, मैं बराबर अटेंड करता था, सुबह 9 बजे से शुरू होता था, और फिर उसके बाद में मालाकुंडे की मस्जिद में अहले सुन्नत वाले बुज़ुर्ग वहाँ हमीदुद्दीन साहब वहाँ बयान देते, वहाँ चला जाता था 3 बजे के बाद, 3:30 बजे, यानी मतलब है कि वीकेंड पूरा मैं इस तरह से स्कॉलर्स के लेक्चर सुनने में गुजारता था। लेकिन उन्होंने बताया था इस्लामी जमात के खादियानियों ने 80 गांव पर जो है कब्ज़ा कर लिया, मैंने मतलब ये लोग अपनी दावत देना शुरू कर दी वहाँ, तेज़ी से जो है खादियानत को फैलाना चाह रहे हैं वरंगल तक, हैदराबाद से वरंगल से आगे खम्भम तक, समझो ये हिस्से में। तो मैं यहाँ पर गश्त करा, मैं फिक्र करा, मैं गया, लोगों से भी बात की, तो इंसान के अंदर जज्बा फितरी आ जाता है। तो मेरे भाई, ये रमज़ान का वक्त ख़त्म होने वाला है, अल्लाह को पहचानने का वक्त है, शैतान नहीं है। अब तुम्हारे अंदर अगर से दीन का जज्बा है तो कम अज़ कम अल्लाह के लिए अपने घर को, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों तक ऐसा दीन मुकम्मल स्ट्रॉन्ग कर लो, ये आखिरी वक्त है। क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पहले वाले जो रज़ियल्लाहु अन्हु राज़ी हो गया अल्लाह ताला सहाबा से, फिर आखिर वाले उनमें भी चंद जो सहाबा के जैसी इबादतें करेंगे, बाजी ले जाएंगे नेकियों में, अल्लाह ने खुद बताया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे। अब हमारे बाज़ुल्मा इसका इनकार करेंगे, मैं उलमाए दीन से अदबन गुजारिश करता हूँ, ये मैं जो सुना हूँ वो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्म सुनकर और मैं पढ़कर और देखकर किया है, मैं कोई मदरसा जाके नहीं लिया। लेकिन मेरा जज्बा 27 साल से इस मुल्क में अल्लाह के दीन को पहचाना है, डंके की चोट पर इंसानों से बात करता हूँ, ऐसा कोई इंसान आपको ये मुल्क में तो नहीं मिला, मैं देखा आँखों से, मैं किसी से नहीं, किसी को नहीं देखा कि किसी से कोई मजहब का। अब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास ईमान है कि नहीं, अगर से तुम ईमान की दावत देते हो तो तुम्हारे पास ईमान आ गया मैं समझूंगा, तुम ईमान की दावत नहीं देते, अब मैं मेरे हद तक ही रख लूँगा तो फिर समझूंगा कि तुम्हारे पास बहुत ही ज़यीफ़ ईमान है। खैर, अल्लाह वो भी कबूल कर ले, कलमा गो का वो भी कबूल कर ले, क्योंकि मेरी तो ख्वाहिश है गैर भी जन्नत में जाए, मेरे अपने मुसलमानों के लिए तो मैं दुआ करूँगा। अब गैर अगर से हमारे इस्लाम को बुरा भला कह लेते हैं, हिंदुओं को देख लें आप, वो उनके पास 1,24,000 पैगंबर जब अल्लाह ने भेजे, अल्लाह ने जोहर से लेके कबाला से लेके तलमूद से लेके, अगर से कह लें कि आप तौरे से लेके जबूर से लेके इंजील से लेके कुरान तक, पैगंबरों के साथ जब सारी दुनिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, ये खासकर सेंटर के अंदर, क्योंकि बनी इसराइल का हिस्सा सेंटर का है, तो इसके अंदर जब पैगंबरों को भेजे तो ये बुत परस्तों को
कोई भी निशानियां नहीं मिली इनकी किताबों में, नहीं दर्ज किया। इस वास्ते हमको बात नहीं करना है। अगर ये बुरा बुरा बहते कहते तो सब्र कर लें, चंद दिन तो दुनिया में रहना है उसको। अल्लाह ताला यही तो कह रहे हैं कि जो है तुम भी इंतजार करो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कुरान के अंदर मुखातिब होकर, यहूद नसारा तो अगर से बुत परस्त तुमको तंग करते हैं, तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। तो अल्लाह तो इंतजार कर रहा है इन सब का, लेकिन कोई भी दुनिया के अंदर चैलेंज से नहीं बता सकता कि जे अल्लाह जो है नज़र आता भाई, यानी गाड़ नज़र आता, या ईश्वर या पैगंबर, ईश्वर या कोई खुदा नज़र आता, या नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाइयों मुसलमानों, अल्लाह के सच्चे दीन की बात मैंने रखी, कोई भी बताना नहीं चाहता हो, अल्लाह का नाम आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा शक्कर में और नमक में। हर वीडियो में बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, 125,000 बार जो पढ़ लेगा हल्के के तौर पर, जमा लो लोगों को और पढ़ लो, तस्बीह के दाने लेकर, चींचे लेकर, किसी इमली के चींचे हो या किसी और के, हमारे यहाँ तो सीताफल कहते हैं, फल के चींचे ले लो, 125,000 जमा करके उसके अपने हिस्सों में बांट लो, और फिर जो बैठ के 125,000 का जो है आप जो है पूरा मुकम्मल करो वजीफ़ा, और फिर उसके बाद में देखो अल्लाह के नाम को शक्कर में और नमक के पाउडर के नाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बराबर आएगा। अब ये बात क्यों नहीं रखना चाहते, ये बात सोचो, मैंने फिल्मी बनाए थे लास्ट ईयर, मुझे पता है कितने अवार्ड्स दिए जाते हैं इंडिया में, क्योंकि मैंने फिल्मी दुनिया बहुत देखी है, मेरे अने वॉच मैंने बहुत किए, मेरा खुद मशगला फिल्में बनाने का था, इस वजह से मैंने बहुत वक्त लगाया था उसमें भी। तो उसमें देखो मैं वीडियो बनाए थे अवार्ड्स के, एक ही महीने में 30,000 लोग देख लिए। अब 2 साल से मैं जो है ये फार्मूला दिया हूँ दुआ का, जीता जागता मौजूदा दिया हूँ, इसको कोई फैलाना नहीं चाहता, 6,000 लोग देखें, लानत है मेरी अपनी यू नो ईमान और मेरी फिक्र पे और मेरी ज़िंदगी पे। जबकि अगर से मैं वही वीडियो फिल्मी बनाता हज़ारों में देख लेते, वो एक महीने में एक एक वीडियो 4-5 हज़ार देख लिए थे लोग। अब मैंने एक खाली डोंट डू इट बोल के मैंने सेक्स का पोन इसका नाम रखा, वो 4,000 एक महीने में देख लिए लोग। तो इससे मालूम हो रहा आदमी का जज्बा मोहब्बत फिक्र और फन जो चाहता है वो दुनिया में, फिल्मी हो या जो है सेक्स का हो या जो है तफरीकी बातों का हो या गेम्स का हो। मगर अफसोस, दर अफसोस, जो आदमी को नशा चढ़े अल्लाह का, अल्लाह का नूर हो आँखों में होता है, लाखौफ इंसान होता है, अल्लाह के ख्वाब में जो है मुनादी की तरह, निशानियों की तरह आते हैं। कई मुसलमानों से या अफ्रीकन भाइयों से मैं मिला, मेरे पास सबसे ज़्यादा बिलाल मोहब्बत, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत मोहब्बत है, तो मैं उनसे बेधड़क मिल लेता हूँ मुसलमानों में, मैं अरबों से भी उतना नहीं मिलता, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहद मोहब्बत है, अरबों से मिलता हूँ, लेकिन वो अपने आप को सिर्फ अरबी वही जानते हैं समझते हैं कि इस्लाम क्या है, और हम अजमियों को अहमियत नहीं देते, मैं वो भी तजुर्बा कर देखा हूँ। तो मेरे भाई अगर अल्लाह का सच्चा दीन तुमको मोहब्बत है तो लाखौफ हो, आँखों में नूर होगा, ख्वाबों में अल्लाह ताला तुम्हारे को निशानियाँ दिखाएगा, यहाँ तक कि तुम रमज़ान के अंदर और लैलतुल क़द्र के अंदर जमतुल फिदा के वक्त ये सारी खुशियाँ महसूस करोगे। जैसे मैंने कहा अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक लाला मियाँ हमारे रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे हमारे बचपन में, वो जिक्र में एक चुमटा लेके अल्लाह के जिक्र में खो जाते थे, ऐसा झूमते थे अल्लाह जानता है। लेकिन बदकिस्मती से उनके घर में ही एक नवासी उनकी हिंदू से शादी कर ली, क्योंकि उसको बच्ची को नहीं मालूम इस्लाम की सही हकीकत क्या है। तो ये गम से मैं मुसलमानों के बच्चे बच्चियों को बचाने के लिए बनाता हूँ। उनके घर की एक बच्ची हिंदू से शादी कर ली, हिंदू हो गई, और एक लड़की को मैं जानता हूँ वो सर्विस करती थी वरंगल में, वो भी एक ऑलरेडी मैरिड हिंदू से शादी करी, क्योंकि इस्लाम की हकीकत नहीं मालूम। अरे इस्लाम की हकीकत रखो अपने, कम से कम अपने घर में रख लो अगर तुम दावत देने नहीं चाहते, मगर इतने स्ट्रांग बना लो कि हर सवाल के जवाब दे सके। अल्लाह की मैं ज़ात को सामने रख के कहता हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ने मैं पहले जब बात करता था सिर्फ यही कहता तुम्हारे पास सही किताब नहीं है, लेकिन आज मैं ये चैलेंज से बता रहा हूँ, अल्लाह ही ने मुझे दिया है इल्म, ये यहूदियत और नसरानियत
इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक बना ली और वो ये खिस्से रख लिए और ये इनके लिखने वाले मौजूद नहीं थे और अल्लाह की जो किताबें डायरेक्ट आई थी वो सबको इन्होंने बदल दिया। अल्लाह की चैलेंज से किताब कुरान है, एक भी सूरा नहीं बना सकते। और इनको बताता हूँ, देखो तुम मुझसे बात करो, मैं कुरान के कई आयतें पढ़ के उनको सुनाता हूँ, ताजुब करते। मैंने कहा कि मैं तो हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम हाफिज़ों से मिलो, 6 मिलियन से ज़्यादा दुनिया में मौजूद है। अच्छा, अब ये जाते जाते ईद की मुबारकबाद के साथ दो बातें बताता हूँ। जो भी डायबिटीज़ है वो सुलेमानी यानी काली चाय बराबर कसरत से पिए और सब्जी खाए, हरी सब्जी दस्तरखान पे होना करके सरकार दौलत ने बताया था। और एक ख़ास बात ये कि एक्सरसाइज करने, वॉक करें, ज़रूर वॉक करते रहें, टेंशन ना लें, और इंशाल्लाह आपके पैरों में सूजन नहीं आएगी इधर उधर, वरना जो है पूरे चैनल्स बर्बाद हो जाते हैं। मेरा भाई एक 53 ईयर्स का था जब मैं आया वक्त, यहाँ आज 77 ईयर्स का है, तो नहीं बोले तो भी 24 साल से मैं उसको यही सुनता हूँ, मेरी बीमारियाँ बढ़ रहे हैं और अब बहुत ज़यीफ हो गया, मरने की हालत के करीब आ गया, बीमारियों से उसका जो है पूरा जिस्म भरा हुआ है। अल्लाह बचाए हम सब मुसलमानों को, अल्लाह मेरे भाई के लिए भी मैं दुआ गूँ कि उसको सेहत दे के सुकून से दुनिया से उठाए, हर वो मुसलमान के लिए दुआ हूँ शिफा मिले सबको, शिफा कुली, और लानत हमारे को जो है रहन सूद से बचाए अल्लाह ताला, खर्जे से बचाए अल्लाह, मासूम बच्चे जो गैर ज़रूरी जो है जेलों में जा रहे हैं उनको रिहाई दे, और मासूम बच्चे जो है सही उम्र में शादी करें ताकि जिना गुनाह से बचे, और मासूम बहनें जो इस्लाम को नहीं समझ के इस्लाम छोड़ रही उनको अल्लाह बचा ले इन सब। तो मेरे भाई ब्लड प्रेशर हो तो करिया पाक बोल के इंडिया वाले अच्छा जानते हैं, करिया पाक का पत्ता, एक पत्ता एक पूरी टहनी, उसमें 6-7 पत्ते होते हैं, वो पानी में भिगा के रात में रख दें, अगर से तांबे का आपके पास जो है कठोरा है तो, या नहीं तो फिर कोई भी उसमें रख के सुबह में उसका पानी पी ले, 3 दफ़ा उसमें पानी गर्म करके निचोड़ के भी पी ले आखिर तक उसका, उसी पत्तों का 7 दिन तक पिए, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी चल जाए। आसान चीज़ें दे रहा हूँ, अल्लाहु अकबर।